तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 घायल, एक की हालत गंभीर। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी शिवपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गौरव मित्तल निवासी शिवपुर अपने 2 दोस्त नितेश शर्मा निवासी गुना और अरविंद चौधरी निवासी भरतपुर के साथ इंदौर से शिवपुर बीमार मां को देखने जा रहा था। आपको बता दें कि इस दौरान आज शुक्रवार की सुबह शिवपुर हाईवे पोहरी के पास मोड़ पर स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में 3 दोस्त घायल हो गए थे, जिन्हें पहले पोहरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां से अरविंद की नाजुक हालत को देखते हुए तीनों दोस्तों को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अरविंद की हालत गंभीर बनी हुई है। उपचार में लापरवाही के आरोप। सड़क हादसे में घायल हुए गौरव मित्तल ने जिला अस्पताल में उपचार न मिलने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती हुए सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने गंभीर घायल अरविंद चौधरी को ठीक से देखा तक नहीं है। पोरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपका गौरव मित्तल कहाँ रहते हैं? बेसिकली बिलोंग्स टू शोपुर जी। ये ऐसा हुआ था, कहाँ से कहाँ रहते हैं आप? रिसेंटली कल मुझे पता चला था इमीडिएटली कि मेरी मदर की तबीयत खराब है, तो मेरे अपने दोस्तों से प्लान किया कि अपन एक बार घर चलते हैं, मम्मी को लेकर हॉस्पिटल चलेंगे कोटा दिखाएंगे मम्मी को, वापस शोपुर ड्रॉप करके और अपन इंदौर वापस आ जाएंगे जी। हम लोगों का जो प्लान था इवनिंग में बना था 4 से 5 बजे, तो हम लोग इमीडिएटली इंदौर से निकल गए स्कॉर्पियो से जी। एंड रात के 12-1 बजे हम लोग पहुँच गए शिवपुरी। जब हम लोग शिवपुरी पहुंचे, शिवपुरी से हम लोग कोटा का शिवपुरी से शोपुर के लिए जो एंटर किया था, तो वहाँ पे मोड़ पर हमारी गाड़ी अनबैलेंसिंग होके नीचे गड्ढे में जा गिरी। एंड देट इज द टाइम ऑफ 1:30 to 2 AM अप्रोक्स। उसके बाद हम लोगों ने जब मदद के लिए लोगों के आसपास लोगों को बोला, तो आप पास से निकल रही एम्बुलेंस ने गाड़ी रोकी, हम लोग उठाए। ड्राइविंग मैं खुद ही कर रहा था उस टाइम पे जी। और इतना ज़्यादा मैं इंजुरीड नहीं था, तो मैंने कांच वगैरह तोड़ के मैंने खुद को निकाला। फिर मैंने एम्बुलेंस की हेल्प से मेरे 2 दोस्तों को निकाला, जिसमें एक था अरविंद चौधरी और सेकंड वन इज नितेश शर्मा जी। उसके बाद हम लोग को रात के 2:15 बजे पोहरी जिला चिकित्सालय लाया गया जी। फिर वहाँ से हम लोग का कंडीशन देख के फिर उन्होंने रेफर किया शिवपुरी के लिए कि आप लोग शिवपुरी चले जाइए। जब शिवपुरी आए 3:30 अप्रोक्स बज चुके थे, तो इन लोगों ने हमारा जो भी इनको करनी थी इन लोगों की फॉर्मेलिटी लाइक ड्रेसिंग वगैरह की, और हम लोगों को रेस्ट करवाया। एंड देट इज़ द टिल टाइम यहाँ पे जब भी डॉक्टर से कांटेक्ट किया जा रहा है कि सर मेरा फ्रेंड्स की इमरजेंसी में है, उसको बहुत ज़्यादा इंजुरेड है, उस लाइक उसका पूरा जो है वो बर्न हो गया है, एंड आग के नीचे भी बिल्कुल उसका ब्लैक ब्लैक हो गया है, एक बार उसको देखिए। एंड देट ही रिप्लाइड कि मैं बताऊँ आपको इमरजेंसी होता क्या है, किसी का आधा शरीर कट जाना, छक्को मार देना, ठीक है बिल्कुल खत्म हो जाए, उसको इमरजेंसी बोला जाता है। ड्यूटी डॉक्टर के बारे में आपने पूछा कि ड्यूटी डॉक्टर क्यों नहीं है? एग्जैक्टली जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इसको प्लीज इसको प्रायोरिटी पे देखिए, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसके चेस्ट में से पेन है और नाक में से इसका ब्लड आ रहा है, तो वो डॉक्टर बोलता है चलो ठीक है मैं इसको सर्जन को रेफर करता हूँ। फिर वो अपनी सिस्टर को बोलता है नर्स को कि जाओ सर्जन को कॉन्टेक्ट करो, इनके लिए इमीडिएटली इनको रेफर करो। एंड अभी तक टिल 2 PM सिंस 11 AM अभी तक ना तो कोई डॉक्टर आया, ना किसी ने आके पूछा, ना किसी ने कांटेक्ट किया, लाइक देखा जाए ये पानी की बोतलें चढ़ा दी गई है इस चीज़ को दिखाने के लिए, कहा अभी इसको चढ़ रही है बोतल 2-4 घंटे आप आराम करो। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसा हुआ था, वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था एकदम? एक्जेक्टली 12-1 बजे हम लोग शिवपुरी से हमने शोपुर के स्टार्ट किया मोड़ पर, एंड उसी टाइम में गाड़ी अनबैलेंसिंग हुई और हम लोग गड्ढे में जा गिरे। इंदौर में क्या करती हैं आप लोग? इंदौर में सर मेरा बिजनेस है। जिसमें कितने लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है अभी? सर इसमें सबसे ज़्यादा हालत गंभीर अरविंद की है। अरविंद की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा इंजुरेड है, पूरा फेस ऑलरेडी उसका बर्न हो चुका है और उसकी पूरी आँखें फूल चुकी है, एंड सबसे लाइक ही नीड टू ट्रीटमेंट। बट अभी तक मुझे अस्पताल की हालत देख कर लगता नहीं कि हमें ट्रीटमेंट होगा। एंड लास्ट में वन ही सेड कि काम करो, अगर आपको लगता ही नहीं हो रहा तो हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, आप कहीं और दिखा लो प्राइवेट में। अगर यही चीज नहीं, किसने बोला ये कि कहीं और दिखा लो प्राइवेट? डॉक्टर ने, डॉक्टर का नाम आई डोंट नो, पूछ दे।